हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई नर्सिंग वैकेंसी के बारे में, जो कि आपके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल रहने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी रहने वाली है। PGIMER चंडीगढ़ से वैकेंसी रहने वाली है। और सबसे अच्छी बात आपको मैं इसमें बता दूँ कि कोई फीस आपकी नहीं लगेगी, सिर्फ और आपको ईमेल सेंड करना है किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। सभी कुछ जानकारी प्राप्त करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे इस चैनल से संबंधित वीडियो के सभी PDF चाहिए वैकेंसी के या फिर किसी भी नोट्स के, तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इन दोनों के लिंक मैंने मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं नीचे। इसी के साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको फ्री में जानकारी प्राप्त होती है, चाहे मेडिकल हो, नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, सभी की कुछ जानकारी हम ऑल इंडिया से हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड आपको करा देते हैं। बात करेंगे इस वैकेंसी के प्रोजेक्ट के टाइटल के बारे में, तो ये जो प्रोजेक्ट रहने वाला है आपके कंट्रोल स्टडी टू डिटरमाइन द सेफ्टी एंड इम्यूनोजोलॉजी कोवोवैक्स के थ्रू ये रहने वाली है। और किस इंस्टीट्यूट में ये वैकेंसी रहने वाली है तो मैं आपको बता दूँ, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ PGIMER चंडीगढ़ से वैकेंसी रहने वाली है। देखिए दोस्तों, नर्स की भी वैकेंसी है, BSc नर्सिंग GNM दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू से स्टार्ट हम बात कर लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहली जो पोस्ट की बात करेंगे तो इसमें स्टडी फिजिशियन की वैकेंसी है, जिसमें MBBS आपसे मांगी गई है और 1 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा है। डिजायरेबल प्राथमिकता उसको दी जाएगी जिसने MD पीडियाट्रिशियन कर रखी हो और 1 साल का इसके पास एक्सपीरियंस हो। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे, एक पोस्ट है, 7 मंथ के लिए वैकेंसी है, टेंडर है और सैलरी 60,000 रहने वाली है। दूसरी बात करेंगे क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर की है, BDS BAMS VHMS यानी आयुर्वेदिक होम्योपैथी और BDS डेंटल वालों से इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक ही वैकेंसी है, 7 मंथ का टेंडर है, 38,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। रिसर्च नर्स की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, BSc नर्सिंग जिसने कर रखी है या फिर GNM डिप्लोमा जिसने कर रखा है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वैलिड नर्सिंग काउंसलिंग से, कोई भी नर्सिंग काउंसलिंग से हो चल जाएगा, बट उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो हॉस्पिटल का या फिर वैक्सीन ट्रायल्स का, उसने वैक्सीन लगा रखी हो। दो वैकेंसी है, दो पोस्ट है और 7 मंथ के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल है, 31,000 आपकी सैलरी रहने वाली है, जो कि एक अच्छी सैलरी है। पोस्टें कम है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ईमेल करना है, वीडियो को पूरा देखें तो आपको पर्टिकुलर सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फार्मासिस्ट की बात करेंगे, एसेंशियली बी फार्मा डिप्लोमा DMLT BMLT मांगा है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, एक पोस्ट है, 3 महीने के लिए वैकेंसी है, 33,300 सैलरी आपकी रहने वाली है। लैब टेक्नीशियन की बात करेंगे तो इसमें भी BMLT मांगी गई है आपसे, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, एक पोस्ट है, 7 मंथ के लिए वैकेंसी रहने वाली है और 20,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। DEO की बात करेंगे तो BCA या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स के अंदर, ओके, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास डाटा एंट्री का या फिर इंटरनेट यूजेज का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक ही पोस्ट है, 7 मंथ के लिए वैकेंसी है, 30,000 सैलरी है। अब देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे किस तरह से रिटर्न एग्ज़ाम होगा, तो दोस्तों ना तो इसमें रिटर्न एग्ज़ाम है, ना आपके कोई फीस लगने वाली है। सिर्फ और सिर्फ आपको 3 सितंबर 2021 फ्राइडे को इंटरव्यू देने जाना है, 3 बजे आपका इंटरव्यू रहेगा। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी मैं बता दूँ आपको, ऑनलाइन इंटरव्यू आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। अब देखो कितनी अच्छी बात इसमें यह है कि आपको इंटरव्यू देने भी वहाँ नहीं जाना, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू ले लिया जाएगा 3 सितंबर को 3 बजे के दौरान। किसके थ्रू? या तो जूम ऐप आता है उसके थ्रू, या फिर गूगल जो आता है वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन अपने मोबाइल में उसके थ्रू, ओके। कोविड 19 के दृष्टि से देखते हुए जो है ये वैकेंसी है और आपका इंटरव्यू जो है ऑनलाइन ही लिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करना है तो दोस्तों बता दूं मैं आपको, एक जो है आपको क्या करना है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको अपना ईमेल है तो उस ईमेल के थ्रू एक एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरकर सर्कुलर मिटाई यानी आपका रिज्यूम, ओके, सॉफ्ट ये लिखा हुआ है, सॉफ्ट कॉपी ऑफ रिज्यूम को विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और अपने डॉक्यूमेंट्स को। देखिए मैंने पहले भी बता दिया है, कई तरह की वैकेंसी निकलती है जिसमें आपका सिर्फ रिज्यूम मांगा जाता है, आपका डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, उसको आपको जो है सेंड करना रहता है ईमेल पर किसी कंपनी के ईमेल पर। इसी में भी यही है, डॉक्टर मोहन गुप्ता प्रोफेसर ऑन ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी पर आपको सेंड कर देना है। देखिए ईमेल आईडी में नेम में आप लिख देना डॉक्टर मोहन गुप्ता और ईमेल आईडी ये रही आपकी covovax2021@gmail.com, इस ईमेल पे आपको सेंड कर देना है। कब तक करना है, आप कब तक कर सकते हो? 31 अगस्त आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, 5 बजे तक अप्लाई कर देना और 3 सितंबर को आपका इंटरव्यू ले लिया जाएगा। कोई एप्लीकेशन
फीस नहीं है, नो ऑपरेशन विल बी एंटरटेन, कोई भी एप्लीकेशन आपका नहीं लिया जाएगा 31 अगस्त के बाद में। आपको सिंपल सी प्रोसेस है, आप इस ईमेल पर सेंड कर दीजिएगा। क्या करना है आपको, अपना डॉक्यूमेंट्स, अपना रिज्यूम, इन सभी की एक फाइल बना लेना, एक पीडीएफ बना लेना, और सिर्फ उस एक पीडीएफ को आप ईमेल पर सेंड कर देना डॉक्टर मोहन गुप्ता के नेम पर, और उसकी ईमेल आईडी covovax2021@gmail.com पर, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई अगर अदर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर कोई अदर इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं हमारे इसी चैनल पर जो है अपलोड कर दूंगा, अपडेट दे दूंगा आपको, या फिर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। क्या जाता है करने में, आपको सभी चीज़ें अगर मुफ्त में प्राप्त होती है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो इसी के साथ दोस्तों PGIMA चंडीगढ़ की वैकेंसी का हम करते हैं समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वैकेंसी या फिर उसकी अपडेट के साथ में। टेक केयर दोस्तों।